हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करते हो और चेक योर कनेक्शन, ऐसा कुछ एरर देखने के आपको मिलता है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। जबकि आपका इंटरनेट आपके विंडोज के अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करने का ट्राई करते हो तो वो वेबसाइट ओपन हो रहा है, बट आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो लॉन्च नहीं हो रहा है। लॉन्च हो जाता है बट उसके अंदर कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन एरर, कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है आपको। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक करोगे, हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके के जरिए फिक्स करेंगे। तो गाइज, वो तरीके और मेथड क्या है, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज, पहले मेथड के अंदर आपको करना क्या है, टास्क बार पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहां पर क्या करना है, मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहां पर आपको फाइल का ऑप्शन जो ये दिख रहा है आपको यहां पर क्लिक करना है, रन न्यू टास्क पर क्लिक कर देना है। यहां पर गाइज इस बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है services.msc। ओके, चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसको मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पर आपका सर्विस विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको कुछ सर्विस को इनेबल करना है, मतलब रन करना है। तो वो सर्विस क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल सर्विस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर ये सर्विस आपका बंद है तो इसको जस्ट आपको स्टार्ट करना है। ओके, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाइए, यहाँ पर गाइज स्टार्टअप टाइप के अंदर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर स्टॉप है यहाँ पर, अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर स्टार्ट करके उसको अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर सर्विस रनिंग में होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार राइट क्लिक करके इसके ऊपर। तो गाइज क्या करना है, आपका ये सर्विस रनिंग में रहना चाहिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको एक विंडोज अपडेट का सर्विस मिल जाएगा। अगर गाइज यहाँ पर ये सर्विस रनिंग नहीं है तो इसको एक बार जस्ट रिस्टार्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो विंडो सर्विस है यहाँ पर वो चलना चाहिए। ओके, क्लोज कर दीजिए इस विंडो को। अभी अभी क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर स्टार्ट बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस लिस्ट के अंदर ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको जितने भी आपके सिस्टम के अंदर ऐप्स है उनका लिस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको फाइंड करना है, यहाँ पर मिल गया है। अभी एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, अभी क्या करना है गाइज, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर और नीचे यहाँ पर टर्मिनेट, रिसेट, अनइंस्टॉल का कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आपको क्या करना है, पहले टर्मिनेट करना है इस एप्लीकेशन को, क्लिक कर दीजिए टर्मिनेट पर। ओके, क्लिक कर दिया आपने। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर रीसेट का जो ये ऑप्शन है, टर्मिनेट किया, रीसेट कर दीजिए, रीसेट पर क्लिक कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए इसको और चेक बॉक्स जब तक नहीं आता तब तक वेट कीजिए। रीसेट हो रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की सर्विस, रीसेट हो रही है, ये हो गई है अभी सर्विस। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी आपको ये सर्विस कर देना है बंद, विंडोज कर देना है बंद। इसके बाद गाइज आपको जो आपका सिस्टम है उसका डेट और टाइम भी सेट करना है। कई बार क्या होता है, अगर आपका डेट और टाइम सेट नहीं होता तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लॉन्च हो जाता है बट आप उसके सामने इंटरनेट नहीं चलता, तो ये डेट और टाइम के समय भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका अगर डेट और टाइम प्रॉपर सेट नहीं रहा तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप यहाँ पर डेट और टाइम सेट कर लीजिए, टाइम जोन है अकॉर्डिंग योर कंट्री, कंट्री के हिसाब से आप यहाँ पर आपका टाइम जोन भी सिलेक्ट कर लीजिए। सिंक नाउ कर दीजिए तो आपका जो सिंक जो डेट और टाइम है वो सिंक हो जाएगा इंटरनेट से। तो गाइज यहाँ पर आपका चेकबॉक्स आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी इस विंडोज को कर दीजिए बंद। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर, ठीक है,
यहां पर आपको क्या करना है, जो ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां पर जस्ट क्लिक करके यहां पर आपको टाइप करना है सीएमडी। यहां पर कमांड आ जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और यहां पर आपको एक कमांड टाइप करना है, वो कमांड क्या है, WSRESET.exe, और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो गाइज आपका ऑटोमेटिकली ये लॉन्च हो जाएगा। तो गाइज आपके सामने कुछ एरर मैसेज अलग आ गया है, अभी पहले कुछ और आ रहा था बट अभी कुछ और आ गया है। एक बार आप साइन इन कर लीजिए आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ अगर है तो, ठीक है यहाँ पर, अगर नहीं है तब भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जस्ट आपको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है और वेट करना है जब तक यहाँ पर इसका अपडेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसे ही आपका अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो गाइज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको जो एरर आ रहा था नेटवर्क का वो अभी नहीं आ रहा है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दोबारा ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।